जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड में फंसे पहलवान सुशील कुमार की वजह से ये केस काफी हाई प्रोफाइल केस माना जा रहा था। दोस्तों इसी बात से आप इसका आकलन कर सकते हैं कि जो चार्जशीट की लेकर खबरें सामने आ रही हैं वो करीब 1000 से ज्यादा पन्नों की तैयार हुई है। दोस्तों इतने पन्नों की चार्जशीट देखकर किसी का भी सर चकरा जाए। इसमें काफी सारे गंभीर आरोप बयान दर्ज किए गए हैं। करीब 150 लोगों को, यानी कि 150+ लोगों को गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक, आप सभी को बता दें दोस्तों कि पुलिस को मिली अब तक जानकारी में यह बातें सामने आई हैं कि वह सागर धनखड़ हत्या का जो मामला था वो दोस्तों वर्चस्व की लड़ाई थी, यानी कि अपने आप में कौन सबसे महान है, कौन दबदबा कायम करना चाहता है छत्रसाल स्टेडियम में, उस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। लेकिन चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज को भी अहम सबूत के तौर पर रखा गया है। अब दोस्तों सीसीटीवी फुटेज आप जानते हैं कि कितनी धुंधली और काफ़ी उसका पिक्सल्स खराब रहते हैं, लेकिन ऐसे में सीसीटीवी की क्वालिटी को क्राइम ब्रांच की टीम ने टेक्नोलॉजी के जरिए सही करवाया है, जिसमें साफ साफ सुशील की मौजूदगी में अन्य आरोपी के हाथों में हथियार नजर आ रहे हैं। आरोपी पहलवान सागर को भी पीटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हथियारों का भी चार्जशीट में जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से चार्जशीट बड़ी हो गई है। अब आरोपियों, चश्मदीदों के बयानों और मौका वारदातों से मिली गाड़ियों और उनमें रखे हथियारों को सबूत के तौर पर माना गया है। गाड़ियों में मिली दोस्तों सहयोगियों के हथियारों के बारे में चार्जशीट में खुलकर जिक्र किया गया है, जिसकी बरामदगी पुलिस ने की है। इसके अलावा चार्जशीट में कई चश्मदीदों के बयानों का जिक्र किया गया है और 1000 से ज्यादा पन्ने तक की दोस्तों चार्जशीट बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इतनी चार्जशीट तैयार करने में दोस्तों समय भी काफी गया, COVID-19 की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को, जिसकी वजह से इस केस में देरी हो रही है। सागर को इंसाफ कराने के लिए जद्दोजहद अब भी जारी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।